जगदा संभल के चंदोसी में रोटरी क्लब चंदोसी सिटी स्टार द्वारा होली की पूर्व संध्या पर महामूर्ख एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्रा एवं श्रीमती अंशु शुक्ला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष रोटेरियन अंकित जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों से आए कवि शुभम त्यागी, जोगेंद्र सुंदरियाल, सौरभ कांत, महेंद्र चतुर्वेदी ने भाग लिया। कार्यक्रम के शुरुआत में अनुराग मित्तल द्वारा सभी को मंचासीन किया गया व क्लब सदस्यों द्वारा गर्दभ महाराज की आरती का वाचन किया गया। उसके उपरांत क्लब के द्वारा महामूर्ख आदि पति मूर्ख शिरोमणि आदि उपलब्धियों से क्लब सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके उपरांत कवियों द्वारा कव्य संध्या का पाठ किया गया। आज होली के शुभ अवसर पर महामूर्ख कार्यक्रम चंदोसी स्टार सिटी क्लब की तरफ से आपने किया है, क्या कहेंगे? आज चंदोसी रोटरी क्लब चंदोसी सिटी स्टार के तत्वावधान में महामूर्ख एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अपने दिल्ली से, शामली से और भी जगह के हास्य कवि आए। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय एसपी साहब श्री चक्रेश मिश्रा जी भी आए और पूरे कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई और साथ ही हास्य कवि द्वारा हास्य कविताओं का आयोजन किया गया और उन्होंने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोहा। आज आप होली के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, संदेश यही है होली के शुभ अवसर पर कि सब आपसी प्रेमचारे के साथ, भाईचारे के साथ, मिलन के साथ एक दूसरे को प्यार संवाद बांटते हुए होली बनाए, गले लग के होली बनाए, किसी के हर किसी के दुख में शामिल हो, हर किसी के चाहे सुख में शामिल हो या ना हो लेकिन दुख में जरूर शामिल हो। आज होली को उपलक्ष्य में महामूर्ख कार्यक्रम किया, लोगों ने क्या कहेंगे? आज हमारा क्लब रोटरी क्लब चंदोसी सिटी स्टार द्वारा होली के उपलक्ष्य में महामूर्ख एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका बेसिक पर्पज़, मुख्य उद्देश्य यही है कि होली के रंगारंग महोत्सव में कुछ हंसी ठिठोली हो जाए और इस महोत्सव को जो रंगारंग और महामूर्खता से पूर्ण कर दिया जाए, थोड़ा सा हंस लें सब लोग। और क्या होली के उपलक्ष्य में क्या संदेश देंगे लोगों को? होली के उपलक्ष्य में मैं यही संदेश दूंगा, सभी लोग प्रेम स्वभाव से रहें, भाईचारे से रहें और आपस में गिले शिकवे दूर करें। और जैसा कि हमारे प्रदेश में योगी सरकार आई है, भाजपा का परचम लहराया है, सभी ने एक बधाई का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है, उसी तरह हम लोग भी भाईचारे का संदेश दें, प्रेम मोहब्बत से रहें सभी लोग।